क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या होता है? चैप्टर नंबर 12 का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। जब बात की जाती है ट्राइंगल्स के सॉल्यूशन की तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको छह चीजें मालूम करनी होती है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि आपने छह चीजें मालूम करनी है। वो छह चीजें क्या होती हैं, छह पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैं जरा आप लोगों को बता देता हूं, फिर हम जरा ये डिस्कस कर लेते हैं ट्राइंगल की स्टैंडर्ड नेमिंग क्या होती है। तो अगर आप बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल की जो स्टैंडर्ड हम नेमिंग करते हैं वर्टिसेस की, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में होती है, कैपिटल लेटर से होती है। अच्छा, उसके बाद जो साइड ए है, इसके सामने वाली जो साइड है ना, इसकी लेंथ, मतलब ये जो कैपिटल ए है ना वर्टेक्स, इसके सामने वाली जो साइड है इसकी लेंथ को आप स्मॉल ए से लिखते हो। कैपिटल बी जो वर्टेक्स है इसके सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल बी कहते हैं, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल सी कहते हैं। उसके बाद ए पे जो एंगल बनता है उसको आप अल्फा बोलते हो, बी पे जो एंगल बनता है उसको बीटा बोलते हो, सी पे जो एंगल बनता है उसको गामा बोलते हो। तो ये इस तरीके से आप सबसे पहले किसी भी ट्राइंगल को, ट्राइंगल का नाम रखते हो आप, ये कह लो उसके एंगल्स का, उसके साइड का, उसके वर्टिसेस का। फिर आज टॉपिक पे के चैप्टर का नाम क्या, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपने छह चीजें मालूम करनी है। छह चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले तीन साइड और तीन एंगल, अल्फा बीटा गामा। अब छह की छह चीजें आप खुद मालूम नहीं करते, आपको कोई भी तीन चीजें गिवन होती है सवाल के अंदर, आपको बाकी तीन चीजें मालूम करनी होती है। ये काम अपनी एक्सरसाइज में आप करते हुए आ रहे थे। जब एमसीक्यूज में आता है तो आपको रिमेनिंग तीन चीजें मालूम करने का नहीं बोलते, मतलब तीन चीजें गिवन कर देते हैं और बाकी तीन चीजों का नहीं बोलते, बाकी किसी एक चीज का बोल देते हैं कि दो एंगल दे दिए, एक साइड दे दी, आपसे बोलेंगे दूसरी साइड निकालो, तो एक चीज निकालने को बोल देते हैं, वो आपने निकाल दिया। तो ये मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल दो किस्म के होते हैं, एक तो ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री बन रहा होता है एक एंगल, और दूसरा ट्राइंगल होता है जिसको आप बोलते हो ऑब्लिक ट्राइंगल, ओ बी एल आई क्यू यू ई। ऑब्लिक ट्राइंगल वो वाला ट्राइंगल होता है जो राइट नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं बनता, उस वाले ट्राइंगल को आप बोलोगे ऑब्लिक ट्राइंगल। वैसे और भी बहुत ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन होती है, एंगल के हिसाब से एक्यूट ऑब्ट्यूज भी होती है, लेंथ के हिसाब से इक्विलेटरल, स्केलेनी, आइसोसेलेस सब होती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं सॉल्यूशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो दो किस्म के ट्राइंगल होंगे, एक तो राइट होगा मतलब उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, या वो ऑब्लिक होगा उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। अब पहले ट्राइंगल पे आ जाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल को आपने किस तरह सॉल्व करना है, ये आपके बाएं हाथ का खेल होता है। इसमें आप सॉल्व किस तरीके से करोगे, मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में ना वो आपको तीन क्वांटिटीज नहीं देते, वो आपको कोई भी दो क्वांटिटीज दे देते हैं और बोलते हैं कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं जरा सवाल आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद समझ आती है। चैप्टर नंबर 12 पे आ जाओ और सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइट एंगल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं एक ही दो एग्जांपल दूंगा, ये इतने मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सवाल होते हैं ये। सबसे पहले एग्जांपल है, लेट कर लो, आपको दे दें कि ए जो है वो 20 सेंटीमीटर है, अच्छा बी जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल बन का रहा है एट बी। लेट कर दो, वो आपको बोल देंगे कि राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो उसमें जो राइट एंगल है 90 डिग्री वो कहां पे बन रहा है, बी के ऊपर बन रहा है। अब ये आपके पास गिवन है, रिमेनिंग कोई भी चीज आपको बोल सकते हैं मालूम करने के लिए। रिमेनिंग मतलब आपको बोल देंगे साइड सी मालूम कर लो, या आपको बोलेंगे अल्फा मालूम कर लो, गामा मालूम कर लो, कोई भी चीज आपको बोल सकते हैं। मैं तीनों चीजें बताता हूँ किस तरह मालूम करोगे, मसले हल हो जाएगा। सबसे पहले जो इन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ना, आप वो जरा बना लो, ठीक है। आपने नेमिंग इस हिसाब से करनी है कि राइट एंगल बी के ऊपर आए, तो मैं इसको ए लेता हूं, इसको बी लेता हूं और इसको सी लेता हूं। लेट कर लो अगर एंगल राइट एंगल जो है वो सी के ऊपर आ रहा होता, तो फिर आप नाम इस तरह रखते ए बी सी, क्योंकि आपको सी यहां पर चाहिए था, बाकी आप एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह नाम रखते। अच्छा जी, अब ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है जो कि गिवन है 20 सेंटीमीटर,
बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है जो कि गिवन है 30 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है कि बी पे एंगल बनना 90 डिग्री। तो भाई आपको तीन चीजें पता है, अब बाकी तीन चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो ये साइड सी मालूम करनी है, एंगल अल्फा, एंगल गैमा, ये तीन चीजें रहेंगी। अब किस तरह मालूम करोगे? सबसे पहली बात देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो साइड गिवन है, तो तीसरी साइड अगर निकालने को बोल दिया जाए तो मसले ही नहीं है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत ही वर्ल्ड फेमस थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, वो कब यूज होता है? जब आपको दो साइड पता है तीसरी साइड आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको हाइपोटेन्यूज पता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन होती है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और वैसे भी जब राइट एंगल बी पे बन रहा है ना तो बी के सामने वाली साइड जो है वो लॉन्गेस्ट होगी, जो 90 डिग्री बनता है ना उसके सामने वाली साइड जो है वो लॉन्गेस्ट होती है, जो कि सवाल में गिवन थी 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है? हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और बेस और परपेंडिकुलर आप अपनी मर्जी से ले लो। पाइथागोरस थ्योरम में ये मसला मैटर नहीं करता कि बेस किसको ले रहे हो, परपेंडिकुलर किसको ले रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम में मैटर नहीं करता। तो लेट कर लो बेस मैं सी को ले रहा हूं और परपेंडिकुलर जो है ये मैं 20 सेंटीमीटर को ले रहा हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम है एच स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपको बेस स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो 30 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इधर आएगा 20 स्क्वायर, ये हो जाएगा 900 माइनस 400 जो कि बराबर होता है 500 के, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर है 5 के, देखो आपको बी निकालना था, बी स्क्वायर नहीं निकालना था, तो आप रूट ले लोगे 500 का रूट, लेकिन आप पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसीडर करोगे। क्यों? क्योंकि बी जो है बेस जो है वो साइड सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी एक साइड की लेंथ है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई आप पॉजिटिव लोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से आपके पास सी आ जाएगा, कैलकुलेटर आपके पास है, रूट 500 निकाल लोगे, आपके पास मसला हल हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड गिवन है और आपको तीसरी निकालनी है तो मसले ही आपके लिए हल है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बाकी चीजें निकालनी है तो बाकी चीजों के लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप साइन कॉस टेंजेंट कोई भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अल्फा निकालना है, ठीक है, अब अल्फा किस तरह निकालूंगा मैं, मर्जी मेरी। मेरे पास आई गेस दो तरीके होंगे, यहाँ पे दो नहीं बल्कि तीन तरीके हैं, जब मेरे पास तीनों साइड आ गई तो मेरे पास तीन तरीके हैं। लेट कर लो अगर आपको सवाल इस तरह दिया जाता कि ए गिवन है, बी गिवन है, ये चीज गिवन है, और आपको बोला जाता जस्ट अल्फा निकालो, तो फिर आपको सी निकालने की जरूरत नहीं थी। तो सी के बगैर अल्फा किस तरह निकालोगे वो मैं बता देता हूं। अल्फा याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, नीचे वाली साइड बेस होती है। पाइथागोरस थ्योरम में तो मैटर नहीं करता, लेकिन साइन कॉस टेंजेंट में मैटर कर रहा होता है कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है। तो मैं यहां पे लगा दूंगा, एक तो मुझे परपेंडिकुलर पता है, एक मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, तो मैं सिंपल साइन लगा दूंगा। मुझे पता है साइन अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 20 है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 30 है। अल्फा निकालने के लिए आप इनवर्स ले लोगे, कैलकुलेटर आप लोगों के पास मौजूद है, आपके पास अल्फा की आसानी से वैल्यू आ जाएगी। तो सी के बगैर आपने अल्फा निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, और सी के साथ अगर आपको निकालना है तब भी निकाल सकते हो। आप इस पे कॉस अल्फा भी लगा सकते थे, कॉस अल्फा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, अगर आपको बेस पता है हाइपोटेन्यूज भी पता है वहां से भी आपके पास अल्फा आ जाएगा। और यहाँ पे आप टेंजेंट अल्फा भी लगा सकते थे, टेंजेंट अल्फा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बेस वही पता होती है तो टेंजेंट अल्फा से भी आपके पास अल्फा आ जाता। तो ये सब मैं आप लोगों को तरीके बता रहा हूँ कि अगर हल्का फुल्का डेटा चेंज होगा तो उसमें से आप कोई भी इंप्रोवाइज करके कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर लेना, ठीक है। अब जैसे आपके पास लेट कर लो अल्फा आ गया, अल्फा कुछ भी डिग्री आ गया, ठीक है, अब आपको निकालना है बीटा, सॉरी बीटा तो आएगा, गैमा निकालना है आपको। तो याद रखना ट्रायंगल के अंदर ये चीज फॉलो होती है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो आप अल्फा और बीटा को ऐड करना, 180 में से माइनस करना, आपके पास गैमा आ जाएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल वैसे एक और तरीके से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन एक जनरलाइज में बात करूं जो हर ट्रायंगल के अंदर फॉलो होती है कि दो एंगल का सम करना, 180 से माइनस करना, आपके पास तीसरा एंगल आ जाएगा। तो तीसरे एंगल के लिए आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री होता है, यहां से आप आराम से गैमा निकाल लो। तो ये सब मेथड है जिसके जरिए से आप राइट एंगल ट्रायंगल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आपके लिए कोई मसला पैदा नहीं।
ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सबको? अब ऑब्लिक ट्रायंगल, जिस जो ऐसा ट्रायंगल जो राइट नहीं होता उसको सॉल्व किस तरह करेंगे, उससे पहले वर्ल्ड फेमस तीन आपने लॉ पढ़ने हैं, उसमें भी टेंजेंट लॉ तो वैसे ही मैं बता रहा हूं ताकि उसको बुरा ना लगे, वरना टेंजेंट लॉ की कोई अहमियत नहीं है। हम पहले लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ साइंस भाई क्या होते हैं, आपकी मर्जी है, अगर आप साइड ऊपर रखना चाह रहे हो तो साइड ऊपर रख सकते हो, अगर एंगल ऊपर रखना चाह रहे हो तो एंगल रख लो। लेट कर लो मैं एंगल ऊपर रख लेता हूं, तो साइन अल्फा अपॉन ए, साइन बीटा अपॉन बी, साइन गैमा अपॉन सी। इसको आप इस तरह भी कर सकते थे, ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गैमा, डिपेंड करता है आपको सवाल में क्या निकालना है। अगर नॉर्मली हमें एंगल निकालना होता है तो हम लेट कर लो इन दो को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हम एंगल ऊपर रखते हैं ताकि साइड को नजर भेजूंगा मेरे पास आसानी से एंगल आ जाएगा, मसला नहीं होगा, बस अपनी आसानी के लिए इस तरह रखें। तो ये आपकी चॉइस को होता है कि आप किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हो। अब ये लॉ ऑफ साइन है, इसको आप तीन मजीद छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जो मैंने अभी बताइए, या तो इन दो को इक्वेट करवा दो, या इन दो को इक्वेट करवा दो, या इसको और इसको इक्वेट करवा दो। अभी जब सवाल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने फिगर आउट करना होता है कि कौन सा लॉ ऑफ साइन में यूज करो, ये जब सवाल आएगा तब मैं आप लोगों को बताऊं। फिर आ जाओ भाई लॉ ऑफ कोसाइंस पे। अच्छा, इसको मैं लॉस बोलूंगा, लॉस ऑफ कोसाइन, क्योंकि ये ज्यादा होते हैं। लॉस ऑफ कोसाइन तीन होते हैं और उससे मजीद हमने फिर तीन और बनाए गए होते हैं। सबसे पहला होता है साइन की फॉर्म में जो हमने डेरिवेशन की हुई है, ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस अल्फा। इनको याद रखने के बहुत ही आसान तरीका है, अगर ए स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे तो बाकी दो साइड का स्क्वायर का सम हो जाएगा माइनस टू, दो जो आपने साइड लिखी हुई उनको मल्टीप्लाई करो बी सी। यहाँ पे अगर ए लिखा हुआ है तो ए के सामने एंगल कौन सा होता है, ए के सामने वाला एंगल अल्फा होता है, तो फॉर्मूले में यहाँ पे अल्फा। इसी पैटर्न पे अगर बी स्क्वायर लिखो तो बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बीटा। अच्छा, ये होशियारी नहीं करना कि यहाँ पे अगर आपको बी स्क्वायर निकालना है तो आप पहले फॉर्मूले को अरेंज करके बी स्क्वायर निकाल दो, ये आप किस सवाल पे नहीं कर पाओगे तो सवालों में फंस जाओगे आप, तो इसलिए ये फॉर्मूले अलग अलग से बनाए हैं। ये आए कैसे, ये भी बड़ा मशहूर एमसीक्यू है बोर्ड एग्जाम का, कि वो बोलते हैं कि ये डेरिवेशन अगर आप देखो ना लॉज ऑफ कोसाइन की, तो इसमें आप जब डेरिवेशन करते थे तो आप किसी एक एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन पे रखते थे। मैंने चैप्टर नंबर 9 में बताया था स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल कौन से होते हैं, जिनका सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है वर्टेक्स, और जो एंगल जहां से स्टार्ट हो रहा होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो अगर आप एंगल अल्फा को स्टैंडर्ड पोजीशन पे रखोगे तो आपके पास ये वाला लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव होगा एंड पे। अगर आप बीटा को स्टैंडर्ड पोजीशन पे रखोगे तो ये वाला एंगल आ रहा होगा, और अगर आप गैमा को रखोगे स्टैंडर्ड पोजीशन पे तो फिर सी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा होगा। ये आज इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज अपलोड हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम के, लाजमी आप लोग उनको देख लेना, उसमें मैंने काफी चीजें डिस्कस की हुई है, तो आप लोगों की फर्स्ट ईयर की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों का अभी बोर्ड का लेवल ही है, आप लोगों का इंटरमीडिएट का लेवल है, आप लोग अभी अप नहीं गए क्योंकि फर्स्ट ईयर किसी ने सही तरीके से नहीं पढ़ी। तो 5 बजे इंशाल्लाह आधे की वीडियो उसको लाजमी देख लेना, 2 घंटे की वीडियो है, उसमें पूरे मैंने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, तो वो फर्स्ट ईयर के देख लेना। इसी तरह एनडी के पास पेपर जो है उसमें फर्स्ट ईयर देख लेना, उसके बाद जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया फिर उस पर जाना। तो ये तीन होते हैं लॉज ऑफ कोसाइन। अब इन तीन को अरेंज करके हमने एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, अगर आपको कॉस अल्फा निकालना है तो इसी फॉर्मूले को आप अरेंज करो, कॉस अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। इनको भी याद रखना, कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर अल्फा है तो ए स्क्वायर नेगेटिव होगा, बाकी दो स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर पॉजिटिव होंगे, और नीचे जो ऊपर दो पॉजिटिव है उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए कॉस बीटा, तो कॉस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, और कॉस गैमा का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए। तो तीन कोसाइन के लॉज हैं, उससे मजीद आपने तीन बनाए हुए हैं, डिपेंड करता है अगर आपको लॉ ऑफ कोसाइन से साइड निकालनी है तो आप ये वाला यूज करते हो, अगर आपको एंगल निकालना है तो आप ये वाला यूज करते हो। कोई सवाल यहां तक? तीन चार्ट
यहाँ पर मैं लॉ ऑफ टेंजेंट तीन होते हैं ना, मैं आप लोगों को एक ही बता देता हूँ, समझ आ जाएगा आप लोगों को। यहीं पे हम वो भी क्लियर कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल कर लेंगे। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ जी कर लो, ये भी तीन होते हैं। इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है, लेट कर लो मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी। मैं इसको इस तरह भी कर सकता था ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, आपकी मर्जी है। अगर आप ऊपर नेगेटिव लाओगे तो सवाल उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, अगर आप ऊपर पॉजिटिव लाओगे उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा वो जरा देख लेते हैं। ऊपर आप लिखो टेंजेंट, नीचे भी आप लिखो टेंजेंट, ठीक है। अगर यहां पे पहले ए लिखा हुआ है तो यहां पे अल्फा आएगा, यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा, यहां पे बी है तो यहां पे बीटा आएगा डिवाइडेड बाय टू। इसी तरह यहां पे ए है तो अल्फा आएगा, प्लस है बी है बीटा आएगा डिवाइडेड बाय टू। ये लॉ ऑफ टेंजेंट होता है। अब इसको आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, लेट कर लो अगर मैं आपको बोलूं बी माइनस सी, तो जब ऊपर बी माइनस सी आ रहा है तो यहाँ पे बीटा माइनस गैमा हो जाएगा, नीचे बी प्लस सी है तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस गैमा। इसी तरह अगर सी माइनस ए करूं तो यहाँ पे गैमा आएगा माइनस अल्फा और नीचे गैमा प्लस अल्फा। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ टेंजेंट भी बना सकते। इसका सवाल में कोई काम नहीं है, बस अगर ये एमसीक्यूज में आया तो बस आपसे डायरेक्ट लॉ पूछा जाएगा, इसका कोई एग्जांपल नहीं आपसे पूछी जाएगी। एग्जांपल आएगी तो इन तीन से आएगी, तो अभी हम वही काम करने लगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आपने किस वक्त कौन सा लॉ यूज करना है, यहाँ पे साइन यूज करना है या कोसाइन यूज करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।